अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप किस तरह अपने वीडियो साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या अपने किसी कैमरा से, तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इवन कि हम अगर 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसका साइज़ 1 GB से भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब हम उसे इंटरनेट पे या किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसका फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मोबाइल में स्पेस भी काफ़ी यूज़ होती है। इसका सलूशन क्या है कि जिससे हम वीडियो का फाइल साइज़ रिड्यूस कर सकें और क्वालिटी भी लूज़ ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये सबसे पहले आपने यहाँ पर हैंडब्रेक लिखना है और यहाँ पर आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी वीडियो साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। इसका कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है कि आप यहाँ पर इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। इसे फॉर एग्जांपल, अब हमने कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करना है या कोई भी फाइल सेलेक्ट करनी है उसको एडिट करने के लिए या उसके फाइल को रिड्यूस करने के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको फाइल का साइज़ बता देता हूँ कि फाइल का साइज़ इस टाइम कितना है जो मैं रिड्यूस करने लगा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 623 MB फाइल साइज़ है, तो मैं इसको अब रिड्यूस करूँगा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। सेट्स पर आप देख सकते हैं, ये कस्टम प्रीसेट्स हैं, ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं। यहाँ पर जनरल प्रीसेट्स उन्होंने खुद से दिए हुए हैं सेपरेटली, तो मैं यहाँ पर अपना ये प्रीसेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब कंप्रेसर। और यहाँ पर आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि आप इसको कैसे सेट करेंगे। तो समरी में आप देखेंगे कि आपने फॉर्मेट को MP4 सिलेक्ट कर लेना है, इसे वेब ऑप्टिमाइज्ड कर देना है और अलाइन AV स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डायमेंशन की तरफ। डायमेंशन में आपने किसी को भी कुछ नहीं करना, ऐसी ही सेटिंग रहने देनी है जैसी ये होगी। फिर फिल्टर्स में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब वीडियो में गए, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये वाला कॉन्स्टेंट क्वालिटी फ्रेम रेट। नीचे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप इसको 20 से 23 पर लेकर जाते हैं तो ये हाई डिफिनिशन रिसोर्सेज के लिए है। मीन कि अगर आप 20 to 23 में अपनी क्वालिटी को हाई रखना चाहते हैं तो आप 20 to 23 यूज़ करें, और अगर आप उस फाइल से ज़्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो आप इसको 35-36 की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। मीन कि अगर आप इसको जितना इस राइट साइड पर लेते जाएंगे, ये आपकी फ़ाइल को उतना ज़्यादा बड़ा करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वीडियो 300 MB की है तो हो सकता है उसको वो 3 GB का भी बना दे। तो आपको इसने तो इसको हमेशा आप लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रैक करेंगे। इसको मैं 28.5 पे मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर फ्रेम रेट 30 है, मेरी वीडियो का ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप इसको सेम एज सोर्स कर सकते हैं और कांस्टेंट फ्रेम रेट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर फ्रेम रेट बढ़ाना होगा बढ़ा देगा, और जहाँ पर कम करना होगा वहाँ पर कम कर देगा। अब चलते हैं ऑडियो की तरफ। ऑडियो ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा 160 bit रेट पे। आपने भी ऐसे रहने देना है, सबटाइटल की ज़रूरत नहीं हमें। इस तरह आपने सबसे पहले, अगर आप इस प्रीसेट को सेव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर दें और कोई भी नेम टाइप कर लें। तो ये हमारा प्रीसेट आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अब यहाँ पर आप ब्राउज़ पे क्लिक करें, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं लो डी में इसको सेव करना चाहता हूँ। नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको सेव पे क्लिक करें और यहाँ पर आप स्टार्ट इनकोड पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर एक मसला है कि ये इनकोडिंग करने में काफ़ी टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल, ये 10 to 20 मिनट्स ले सकता है। मेरी वीडियो में अभी ये टाइम 14 इंक्रीज़ ही हो रहा है, डिक्रीज़ तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको ये टाइम शो कर रहा है, 15 मिनट्स लगेंगे वीडियो को इनकोड करने में। तो मैं वीडियो को पास कर देता हूँ, जैसे ही ये वीडियो कंप्रेस हो जाती है तो मैं आपको शो कर दूँगा कि इसकी क्वालिटी कितनी रह गई है और साइज़ कितना है।
तो गाइस वीडियो हमारी सक्सेसफुली कंप्रेस हो चुकी है, यहाँ पर प्रीसेट भी सेव हो चुका है। अब हम जाकर चेक करते हैं कि हमारी वीडियो का साइज कितना रेड्यूस हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो को यहाँ पर ही पेस्ट कर दिया था। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो का फाइल नेम है जिसको हमने कंप्रेस करना था। अब हम इसका साइज चेक कर लेते हैं। तो ये 623 MB की वीडियो थी, तो इसको हमने रेड्यूस किया था। और ये इसका न्यू फाइल साइज है जिसको हम अभी चेक करते हैं। तो गाइस ये 184 MB का है। तो देख सकते हैं आप कि हमने कितना ज़्यादा डेटा सेव कर लिया वीडियो को कंप्रेस करके। अब हम आपको इसकी वीडियो क्वालिटी भी चेक करवा देते हैं कि इनमें कोई फ़र्क आया है या नहीं। तो गाइस ये देखें, पहले वीडियो की क्वालिटी ये थी, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने कंप्रेस किया, ये वीडियो हमने रिसीव की, इसको अब हम ओपन करके देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फाइल की क्वालिटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, ये सेम वैसे ही है हाई क्वालिटी में वीडियो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए और हमने इसका फाइल साइज भी रिड्यूस कर लिया है। तो ये एक आसान सा तरीका था जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।